सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि हाउ टू ऐड कस्टम फील्ड्स इन वू कॉमर्स इन ऑन प्रोडक्ट पेज विद ग्रेविटी फॉर्म्स। दोस्तों ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट है जो है मैंने वो ये बनाया था हाउ टू ऐड कस्टम वू कॉमर्स कस्टम फील्ड ऑन प्रोडक्ट पेज, एक साल ये तकरीबन 1 साल पहले बनाया था मैंने, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और ये इस वीडियो के अंदर हमने फ्री प्लगइन्स यूज़ किए थे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम पेड प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें लिमिटेशंस नहीं है, और वो प्लगइन आपको मिल जाएंगे विदाउट लाइसेंस, लेकिन वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमें एक प्लगइन चाहिए होगा यहाँ पे ग्रेविटी फॉर्म्स। हम वो कॉमर्स प्रोडक्ट पेज के ऊपर अपनी कस्टम फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक ग्रेविटी फॉर्म का प्लगइन चाहिए होगा। ठीक है, और ये इसका एक एड ऑन है वो कॉमर्स ग्रेविटी फॉर्म प्रोडक्ट एड ऑन्स के नाम से। ठीक है, इसी तरह हम ये दो प्लगइन एक्टिव हुए हैं, और इसका लिंक आप लोग इससे मैसेज करके कमेंट करके आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है, इजली। और आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आएंगे फॉर्म्स का, मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ग्रेविटी फॉर्म के अंदर ये इस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट की फील्ड बनाएंगे, सबसे पहले तो ये आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँ उसका। यहाँ पे हम कोई भी ग्रेविटी फॉर्म की जो भी हम फील्ड यूज करेंगे प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जो भी वो प्रोडक्ट पोस्ट होगा तो उसकी मतलब जो ऑर्डर होगा उसकी एंट्रीज इस तरह आ जाएंगी, जो भी फील्ड हम बनाएंगे ना उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह वो कॉमर्स का ऑर्डर होगा, या आपको अपलोड की फील्ड यूज़ करनी है, ठीक है, कोई भी फील्ड यूज़ करनी है उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा एंट्रीज के तौर पे, एक डाटा आपके पास एडमिन में आ जाएगा जो भी आप ऑर्डर करेंगे फील्ड्स के थ्रू। इसी तरह सेटिंग्स में आएंगे तो सेटिंग्स में इसकी ये शॉर्ट सेटिंग है, इसके अंदर करेंसीज आ रही हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई लेने देने नहीं है फिलहाल, यहाँ पर अपडेटेड प्लगइन है विदाउट लाइसेंस, ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो एड ऑन्स हैं इसके ये, ठीक है, ये इसके एड ऑन्स हैं, आपको दिखाया जा रहा है पेपैल का एड ऑन है, ये सारे एड ऑन्स हैं इसमें, सोशल मीडिया के हैं एड ऑन्स, कैंपेनिंग के जो होते हैं, और क्या कहते हैं आपका पेपैल है, ठीक है, ऑथराइज होगा इसमें, ड्रॉप बॉक्स भी है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी के एड ऑन्स दिए हैं ग्रेविटी फॉर्म वालों ने, पेड हैं जो के, ठीक है। इसी तरह ये सिस्टम स्टेटस है, ये बता रहा है कि भाई कितनी मेमोरी है पीएचपी का, कौन सा वर्जन है, कौन से जो फॉर्म का फोल्डर है वो कहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है, परमिशंस क्या क्या है वर्डप्रेस के अंदर, टेबल कौन से हैं ग्रेविटी फॉर्म के अपने, यूआरएल क्या है वर्डप्रेस का, वर्जन क्या है, लिमिट क्या है इसकी वर्डप्रेस की, मेमोरी लिमिट 40 MB आ रही है यहाँ पे, थीम कौन सी यूज हुई है, फला फला सर्वर है, और ये पीएचपी की सारी चीज़ इसमें बता रहा है कि डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है। अब हम अपने काम की तरफ पढ़ते हैं, ये आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया मैंने, तो फॉर्म्स पे आते हैं। ठीक है, हमें ये ग्रेविटी फॉर्म और ग्रेविटी फॉर्म का वो कॉमर्स का एड ऑन है ये हमें कहाँ यूज करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिंपल एक प्रोडक्ट है, हम शॉप के पेज पे आए, सही है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये इसकी यहाँ प्राइस आ रही है, हम यहाँ चाह रहे हैं हम कस्टम फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक अपलोड की फील्ड हो गई, ठीक है, यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करना चाह रहे हैं, और टेक्स्ट फील्ड हो गई, सही है, चेक बॉक्सेस चाह रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मतलब चेक बॉक्स कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए यहाँ पे, तो हम ये डिफरेंट फील्ड ऐड करके यहाँ पे भी शो कराएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एक फॉर्म बनाएंगे, लेटेस्ट न्यू फॉर्म बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे प्रोडक्ट डिटेल, फॉर्म क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले फील्ड चाह रहे हैं यहाँ पे सिंग, एक टेक्स्ट फील्ड चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया नेम लिख दिया यहाँ पे, सही है, या आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनपुट मास यानी कि इस तरह के जो फोन नंबर और इसके लिए जो फॉर्मेट होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं आप, जो कि अच्छी चीज़ होती है, प्रोफेशनल लगता है पूरा, तो हमें ये फिलहाल इसकी नीड नहीं है अभी।
रिक्वायर्ड करना है फील्ड को, यानी कि ऑप्शनल नहीं हो तो उसने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया। करेक्टर कितने अलाउ होने चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम कितने करेक्टर अलाउ हो, 20 हो, 300 हो टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। अपेयरेंस में आएंगे, यहाँ प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का फील्ड के अंदर। माई नेम लिख दिया मैंने जैसे कि, सही है। कोई मैसेज देना चाह रहे हैं वैलिड वैलिडेशन के ऊपर, वो भी दे सकते हैं। यहाँ कस्टम बूटस्ट्रैप भी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, आपको कस्टम क्लास देनी है फील्ड के ऊपर वो भी दे सकते हैं। ये मैंने एक लार्ज फील्ड ले ली, इनकी साइज़ बता रहा है कि फील्ड का साइज़ क्या होना चाहिए, सही है। इनेबल पासवर्ड इनपुट, ये इन सब चीज़ों की नीड नहीं है फिलहाल अभी। ये एक फील्ड ले ली हमने सिंपल, ठीक है। हम एक और फील्ड ले लेंगे अभी, जैसे कि हमने ले लिया फ़ोन नंबर की फील्ड ले ली, यहाँ पे इंटर क्लिक करा फ़ोन नंबर आ गया। अब इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि फॉर्मेट किस तरह का चाहिए फ़ोन का, हमने यहाँ रख दिया फ़ोन नंबर फील्ड का नाम, सही है। फ़ोन नंबर, इसी तरह इसको प्लेस होल्डर दे दिया। हमें ईमेल की फील्ड चाहिए, वो अपने ईमेल की फील्ड भी ले ली यहाँ पे, ठीक है। और इनेबल ईमेल कंफर्मेशन, नहीं इस फील्ड की आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें, फिर भी हम ले लेते हैं इसको, रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल लगते हैं इसको। माय ईमेल, अब इसी तरह मैं एक ही बार आपको फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अपनी मर्जी से बाद में फील्ड यूज़ करने में आसानी हो। एक ही फॉर्म में सारी फील्ड जो मेन मेन है जो आपको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइल अपलोड की एक फील्ड है। ये पिछली वीडियो में फाइल अपलोड का आप लोगों ने पूछा था कि फाइल अपलोड करनी है तो वो कैसे होगी, उसके अंदर लिमिटेशन थी क्योंकि वो पेड प्लगइन था, वो फ्री में वो चीज़ अलाउ नहीं थी। तो ये आपके पास चीज़ है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। आप अच्छे से अच्छा फॉर्म, मतलब एक डायनेमिक फॉर्म बना सकते हैं वो कॉमर्स का, प्रोडक्ट पेज के ऊपर आसानी से अपनी मर्जी की फील्ड ऐड करके। इसी तरह एक ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए कि भाई आपको सिंगल चाहिए है, ड्रॉप डाउन चाहिए, जैसे कि हाँ, अब सिंगल प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन रेडियो बटन में चाहिए, यूज़र डिफाइंड प्राइस चाहिए, हिडन चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, हमने लिख दिया ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन चाहिए, इसमें आपको ये मल्टीपल दे रहा है, ड्रॉप डाउन के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये एज अ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको प्रोडक्ट का नाम देना है वो आप लिख दें यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ओ सॉरी, और प्रोडक्ट 3, ठीक है। तीनों के अलग अलग प्राइसेस हैं, सही है। इसकी डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पी के आर नहीं है, तो ग्रेविटी फॉर्म के अंदर, ठीक है, ग्रेविटी फॉर्म के अंदर पी के आर करेंसी नहीं है, ठीक है। 7-8 करेंसी हैं इसके अंदर, पाकिस्तानी करेंसी नहीं है। तो सिंपल तरीका ये है इसका कि आपको वो कॉमर्स के अंदर चाहिए ना, तो वो ये करेंसी है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें इसका यहाँ से यूएस डॉलर रखे कोई इशू नहीं है, सिंपल वो कॉमर्स में जाके यहाँ पे जो मेन करेंसी है ना वो हम यहाँ पे पी के आर रखेंगे, यानी कि पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे और पी के आर रख देंगे। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो पी के आर में ही होगा आपकी, लेकिन प्राइसिंग जो हो रही होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी उस हिसाब से। तो आपको अगर यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है, करेंसी तो यहाँ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको हम, ठीक है। आगे इसी तरह एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें मल्टीपल, ये तो सिंपल एक एक वक्त में एक प्रोडक्ट अलाउ कर रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शंस ये है कि आप ड्रॉप डाउन ले लें या चेक बॉक्सेस ले लें या डिफरेंट चेक बॉक्सेस ले लिए। तो इसने मुझे कह दिया, मैंने लिख दिया मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक। अब चेक बॉक्सेस है, मैंने क्या किया भाई, मुझे मल्टीपल चेक बॉक्सेस, आपको ये सेलेक्ट ऑल वाला भी ऑप्शन इनेबल कर दें और रिक्वायर्ड कर दें इसको। तो मैंने ये कर दिया, अगर आप इसको डॉलर नहीं भी लगाएंगे तो आई थिंक ये पी के आर में कन्वर्ट करेगा क्योंकि हमने वहाँ पी के आर सेलेक्ट करी है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक चेक बॉक्सेस ले लेंगे। आपको अगर एक वक्त में मल्टीपल चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर तो ड्रॉप डाउन में इस तरह ही दिखा देगा, लेकिन हमें चेक बॉक्सेस लेने हैं ताकि एक वक्त में मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकें हम, सही है। इसी तरह टोटल फील्ड्स में ऑलरेडी आ रही होती है, पहले से हमें एक्स्ट्रा चाहिए, सब टोटल आ रही होती है, तो हम टोटल फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब
इसी तरह आपको स्टैंडर्ड फील्ड्स के अंदर ये आपको HTML चाहिए, तो HTML यहाँ पे आपने ऐड कर ली है HTML की फील्ड। ठीक है, कहाँ गए HTML की फील्ड, ये रही। आपको यहाँ पे HTML का टैग लेंगे कोई भी, और उसको अगर यहाँ पे कोई भी आपको HTML लिखनी है, अपनी बूटस्ट्रैप लिखनी है, कोई भी चीज़ आपको कंटेंट डालना है तो वो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है, आपको यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे आपका, सही है। इसी तरह कोई चीज़ आपको पैराग्राफ चाहिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए, तो ये इन सब के लिए फील्ड है। ठीक है, कैप्चा है, वेबसाइट है, एड्रेस है। एड्रेस के अंदर आप ये पूरा इनकी फील्ड आ जाती हैं सारी, चेकआउट के पेज की तरफ। वो कॉमर्स को हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये सारी डायनेमिक जाती हैं वो कॉमर्स को ऑर्डर के अंदर। अब हम सेव कर लेते हैं, और अब आते हैं वो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के अंदर। हमने फॉर्म का नाम सेव किया था, प्रोडक्ट डिटेल के नाम से सेव किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्रोडक्ट लेंगे, ये वाली सेकंड वाली ले लेते हैं। आपको सिंपली जाके यहाँ पे प्राइस की ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, प्राइस ज़ीरो करना ज़रूरी है यहाँ पे। और ग्रेविटी फॉर्म यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ग्रेविटी फॉर्म का ऐड ऑन है वो कॉमर्स का, वो यहाँ पे इसलिए काम आता है। ठीक है, वो कॉमर्स का ऐड ऑन जो हमने यूज़ किया है वो इसलिए काम आता है कि प्रोडक्ट के अंदर जाके आप यहाँ ग्रेविटी फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर अपनी मर्ज़ी का फॉर्म, जिस प्रोडक्ट का जो फॉर्म आपको शो कराना है वो यहाँ शो कराते हैं। डिस्क्रिप्शन कोई थी नहीं तो ब्लैंक आएगी। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले टाइटल करा हुआ है, ये ऐसे मल्टीपल इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि कैलकुलेशन किस तरह दिखानी है। तो डिसेबल सब टोटल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, टोटल चाहिए, और टोटल सेक्शन आखिर में आता है, बिल्कुल सही है। रिमूव वो कॉमर्स प्राइस, ठीक है, वो कॉमर्स प्राइस हम रिमूव कर देते हैं। ये ऑप्शन दिखा रहा है इसके अंदर ज़्यादा, इसको सेट करने के लिए चीज़ों को। कीप कार्ड एंट्रीज, ठीक है, ये भी सही है। एडवांस ऑप्शन इनेबल, कार्ड एडिट नहीं, स्ट्रक्चर डाटा इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सेव कर देंगे अब जाके। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं, देखें ये हमारे पास एक पूरा डायनेमिक कस्टम फील्ड का पूरा प्रोडक्ट का पेज आ गया, जो जो फील्ड हमने ऐड करी थी। सही है, अभी ये इसने हमने 10 रखा था प्रोडक्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट 10 आ रहा है। ठीक है, 20 30, मैंने यहाँ अपना फ़ोन नंबर दे दिया, सही है, ईमेल दे दी, सही। इसी तरह ये सेक्शन ब्रेक कराया था, लेकिन सेक्शन ब्रेक हो गया। HTML प्रिंट कराई थी हमने, HTML आ गई, शारिक मोइस, सही है। सेलेक्ट ऑल, ये सारी ऐड हो गई, आपने एक वक्त में एक सेलेक्ट करना है, दो करनी है, ये एक हो गया। प्रोडक्ट 30 था, 1 कर दिया, ये इसकी 10 थी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 10 थी, 20 हो गई है। ठीक है, तो ये इसने ऑलरेडी इसमें PKR में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो आप डॉलर लिखें, लेकिन ये WooCommerce की प्राइस ही उठा रहा है। अंदर आपका वो डू डॉलर सपोर्ट कर रहा है ग्रेविटी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आपको ये PKR ही सपोर्ट कर रहा है, PKR ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अंदर आपने WooCommerce की सेटिंग में PKR सेट करा हुआ है, दैट्स वाई। तो अब इसको हम आगे ऑर्डर कर देंगे, एड टू कार्ट। ये 20 हो गया हमारे पास, सॉरी, फाइल एक अपलोड कर लेंगे, इमेज की फाइल, लाइक ये अपलोड कर लेता हूँ मैं, अपनी इमेज अपलोड कर ली मैंने, और मैंने इसको कर दिया ऐड टू कार्ट एक और बार। यू कैन नॉट ऐड द और वन, ठीक है, एक ही स्टॉक में, सही है। मैं काम करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और दोबारा से ऐड करेंगे इसको। तो ये व्यू कार्ट पे गए हम, कार्ट के पेज पे हमने डेटा सारा फिल कर चुके हैं अपना, जो जो हमने डेटा फिल किया वो सारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और सही है, ये आ रहा है। आई थिंक इमेज वाला हमने रिमूव कर दिया शायद, इमेज को दोबारा ऐड करते हैं।
एड टू कार्ट करा इसको, इसको हमने व्यू कार्ट करा, सही इमेज की फील्ड आ गई जो हमने ऑलरेडी ऐड करी है, ये सारा डाटा आ गया ठीक है। अब इसको चेकआउट करेंगे, 20 रुपीज़ आ गया जो कि एक्चुअल अमाउंट आ रही थी, ये प्राइस का वो पिक्चर का नाम जो भी आप फाइल रखेंगे उसको छोटा रखिए, वरना इसका वेट बढ़ाएगा स्क्रीन के लिहाज से, इसकी करिएगा ठीक है। ये हमारी सारी डिटेल्स आ रही हैं ठीक है। चेकआउट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी हमने इनेबल करा पेमेंट मेथड, और इसको हमने कर दिया प्लेस ऑर्डर। ये सारा डाटा हमारा चले गया वूकॉमर्स के ऑर्डर के अंदर ठीक है, जो कि यहाँ पे है, जो कि ये आ रहा है आपके पास ऑर्डर के अंदर, सारी डिटेल आ गई जो जो आपने डिटेल करी थी ठीक है। और यहाँ एंट्रीज में भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई जो जो फील्ड आपने ऐड करी है विदाउट एनी कोडिंग और बड़ी आसानी से ठीक है। लेकिन एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे ये वो ग्रेविटी फॉर्म डॉलर सपोर्ट करता है, इस वजह डॉलर ही आएगा, आप सीएसएस से रिमूव करा सकते हैं उसको कराना चाहें तो, और लेकिन ये ग्रेविटी फॉर्म में आएगा वैसे तो। एक्चुअल इसकी पीकेआर तो यहाँ जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा वो पीकेआर में बनेगा ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको। बाकी ये आपका हो गया, अब ये इसकी एंट्री ग्रेविटी फॉर्म का फ़ायदा, ये इसकी एंट्री आपके पास यहाँ पे आ गई होगी जो भी आपने ऑर्डर किया है। तो अभी ये हमने ऑर्डर किया था, आई थिंक ये वाला है फर्स्ट, ये वाला है ठीक है, तो ये पूरा आपके पास, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो जो जो डाटा आपने भेजा था वो सारी फील्ड यहाँ पे आ गई सही है, और ये देखें $20 ये आ गया आपके पास। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।